वही गुरु ने जन्म दिया। विशेष सप्तम मन्वंतर में वैवस्वत मन्वंतर में अश्विनी चतुर्युग में चार पापुर युग में नंदनंदन कृष्ण आया, उसका बाप वही गुरु युग में महापुरुष सनातन कृष्ण का माध्यम से शिक्षा दिया। सनातन कृष्ण तो पार्षद है, सनातन कृष्ण जब संसार से मुक्ति होने का समय होगा तो गुरु जी के पास एक सवाल, मैं कौन हूं, किसके दिन किस्मत तापस में जल रहा हूं, मेरा प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है, प्रयोजन प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, सवाल करने के लिए मेरे अंदर में योग्यता नहीं है। तो आप कीर्तन महापुर कहते हैं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार कृष्ण बुनि से ही जीवनादु हिंदू अत माया चले जाए संशय ये होता है। गुरु रूप से सर्वोत्तम गुरु राधारणी वही गुरु रूप से आके शिक्षा दिया, हमारा दुख का कारण होता है कृष्ण विस्मृति, विस्मृति किस प्रकार से होगा, आदि यही कली युग में ध्यान से नहीं होगा, जग से भी नहीं होगा, शिविर की पूजा से भी नहीं होगा। एक युग युग का है त्रिपाद अधर्म है, एक पाद धर्म है सत्य है। क्या बेनिफिट है आपको, हमारा चैतन्य महाप्रभु बताया सप्त प्रकार बेनिफिट, लेकिन अनंत प्रकार उसमें हर किस्म का फायदा मिल जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि पावनम श्रेय कैरव चंद्रिका विदरणम विद्या मृदु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिबलम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजय श्रीकृष्ण संकीर्तन। कोई देव देवी के ना देव देवी आओ विष्णु पूजा में पाए खट्टंग राजा देवता का पक्ष अवलंबन करके उसने से लड़ाई की और फिर उनका परास्त कर दिया, देवता सब उनका हथियार देने के लिए आया। अग्निदेव के अग्निस्त्र ले हो, पवन देव पवनास्त्र ले हो, वृंदे वरुणास्त्र ले हो, इंद्रदेव के वज्र ले हो, तो खट्टंग राजा कहते आप लोग तो हथियार देने के लिए तैयार है, मेरा आयु कितना आपका आयु एक मुहूर्त है 48 मिनट है, तो नजदीक में इसे हथियार लेके हम क्या करेंगे, नजदीक मृत्यु मृत्यु से बचा सकता है, कौन बचा सकता है, कोई देव देवी नहीं बचा सकता। मुक्ति प्रदाता विष्णु ने बड़ा संशय है, एक विष्णु कर सकते जय देव विष्णु कर, तो मैंने उसको अपना स्थान पर पहुंचा दीजिए। राम जी का मूल है खट्टंगा राजा, वो अपना स्थान पर विमान के बारे में वहां पर एक मुहूर्त के लिए विश्व पद में शरणागत हो गया और मुक्त हो गया विष्णु। हम लोग उसको कहते हरि, वो हरि है विष्णु, हरि नाम नारायण राम कृष्ण इत्यादि विष्णु। अभी विष्णु नाम करने से संसार से मुक्ति होता है, ठीक है, आप लोग हम लोग नहीं मानते, हम लोग देवी पूजा करते हैं गणपति पूजा करते हैं, ठीक है। यहां पर मरने के समय में क्या बोलता है, गणपति पूजा करने वाला, कार्तिक पूजा करने वाला, देवी पूजा करने वाला, शिव जी का पूजा करने वाला, शिव नाम सत्य है, काली नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, क्या होता है राम नाम, और बंगला मुल्क में वहां पर सब दुर्गा पूजा करने वाला बहुत है, बहुत मरने के समय में बोल दुर्गा दुर्गा बोल कर बोल हरि हरि वो वहां जाइए, मृत्यु के समय में कल कर दिए जाते हैं मशान में बोल हरि हरि वो लोग भी नहीं बोलता है, कोई देव देवी का नाम वही नाम है और वही नाम का अंदर में भी फर्क है। पद्मप्रभु ने कहा राम रामिति रामिति राम मनोरम मनोरम
स्वस्नाम नाम नाम परार और राम रामेति रामेति राम राम तीन राम नाम मैं रमन करता हूं। इसलिए 1000 विश्राम को जो फल होते हैं एक बार राम राम भी विष्णु है विष्णु भी विष्णु है। हमारा जो गोस्वामी लिखा है ये परावस्थ रूप है राम विष्णु और कृष्ण भगवान का बहुत अवतार है ये तीन का विशेष है और इसका तो राम का बारे में पद्म पुराण नहीं है राम रामे रवि रवे रामे मनोरम सामी तुल्य राम नाम बरान सौस्त विश्राम का बराबर एक राम ब्रह्मांड पुरण में लिखा सौस्त नाम पुण्यांग तिरामित एक विश्व नाम एक तत्व तत्व जब सहस्त्र में तीन बार आवृत्ति करते 3000 विश्राम में से एक विश्राम का बराबर तीन राम नाम बराबर एक कृष्णाम जो इतर महाप्रभु क्या शिक्षा दिया रविदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु प्रति घरे घरे जाई करो ये भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण कृष्ण नाम का क्या है वो भावमंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुचेतन राम अनिता तीस वर्तकारी बोलो जी के भावमंत्र संपद जी को चाहे आनंद संगीता क्या ये कोई कुंजी का परिसंचरण उपनिषद का है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ईश्वर सब नाम कुंजी कर्म सुना न तो परद रूपाय सर्वभेद से दृश्य थे इस श्रेष्ठ उपाय आपको जिन्हें अग्नि पुराण में लिया है सब प्रमाण है हरे युग में महामंत्र है नहीं है महामंत्र सप्तदी में चार पद धर्म है तपस्या शौच दया सत्य उस वक्त भी महामंत्र है वो नारायण पराविदा नारायण पराक्षर नारायण पराकृति नारायण पराकृति उसका तारक ब्रह्म महामंत्र है ये नाम उनको भी करने पड़ता था त्रेता युग में राम नारायण तो मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कांसरे हरि वैकुंठ वामन जब ध्यान नहीं करते यज्ञ उस भगत भी यही मंत्र था राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कांसरे हरि कलि युग में द्वापर युग में आधा आधा हो गया उसमें अभी सत्य दया रह गया तपस्या सौ जो चला गया दापुर युग में भी महामंत्र हरि मुरारी मधु कई भाग गोपाल गोविंद मुकुंद सौ जगदीश नारायण कृष्ण विश्व निराश्रय मंत्र श्री रक्षा